नमस्कार दोस्तों, करियर केयर एनालिसिस में स्पीकर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस की 2019 की भर्ती की एग्ज़ाम के बारे में। इसका एग्ज़ाम कब से होगा यहाँ पे देखेंगे आज के इस वीडियो में। यहाँ पे एक न्यूज़ में नोटिफिकेशन बताई गई है, जनवरी माह में परीक्षा होगी, यानी हरियाणा पुलिस की परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, मधुबन पुलिस अकेदमी मुख्यमंत्री और DGP ने प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर चर्चा की है। यानी हर साल 5000 तक जवानों की होगी भर्ती। इस वर्ष के आवेदकों की जनवरी में परीक्षा भी होगी। इसी तरह यहाँ पे देख सकेंगे आज की इस वीडियो में, मधुबन पुलिस अकेडमी में CM को सलामी देते हुए पुलिस के जवान, यानी यहाँ पे देख सकते हैं, हिसार में महिला बटालियन ट्रेनिंग रेंज तैयार होने के बाद 6000 को दे सकेंगे ट्रेनिंग। इसी तरह यहाँ पर नोटिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, मधुबन के बारे में यहाँ पर इनमें चर्चा हुई है, पूरी चर्चा यहाँ पे हम देखेंगे। DGP हाथों में झंडा लिए और ताली बजाकर स्वागत करने और वाले ये करीब 5400 रंगरूट ट्रेनिंग ले रहे थे। जनवरी के अंत तक ये अपास आउट हो जाएंगे। CM फिर कैंपस खाली रहेगा, CM ने कहा कि फिर से कैंपस खाली रहेगा। DGP ने कहा, नहीं सर, 5000 जवानों के लिए जो आवेदन लिए हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी तैयारी कर ली है, उनकी जनवरी में परीक्षा होगी और मार्च तक उनकी ट्रेनिंग शुरू करवा दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह CM ने कहा, प्रदेश में और कितने जवानों की ज़रूरत है। DGP ने बताया, करीब 20000 वैकेंसी और होनी चाहिए। ठीक है, CM ने कहा, इसको कवर कैसे किया जाएगा। ठीक है, इनकी वार्तालाप में दिखा रखा है, आज की न्यूज में दिखा रखी है। DGP यहाँ पर बता रखा है, हर साल 5000 की भर्ती निकालेंगे और उसे पूरा करेंगे। CM ने कहा, कब तक पूरी होगी, हर 5 साल कितनी सीटें खाली रही हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में यहाँ पे दिखा रखे है, इसकी पूरी चर्चा यहाँ पे दिखा रखी है। DGP ने कहा कि साल में 33% रिटायरमेंट होता है, कांस्टेबल 1200 के करीब रिटायर होते हैं। CM बोले, ऐसे में तो कम सीटें खाली होनी चाहिए। DGP ने कहा, सर कुछ प्रमोट हो जाते हैं और कुछ रिजाइन देकर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, सभी जवान टेस्टों की तैयारी में जुटी हुई हैं। इसी तरह अगला यहाँ पे CM से वार्तालाप में बता रहा है, महिला रंगरूटों की तरफ इशारा करते हुए CM ट्रेनिंग व्यवस्था क्या है। इस तरह DGP ने बताया कि इशार में नया महिला बटालियन ट्रेनिंग रेंज तैयार किया जा रहा है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद 6000 महिला जवानों को ट्रेड किया जा सकता है ट्रेंड। ठीक है, CM ने कहा, इसके और क्या फ़ायदे होंगे। DGP ने बताया कि रेंज शुरू होने के बाद 5000 की 8000 जवानों की भर्ती की जा सकेगी। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा रखा है आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। यानी आपकी हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम जनवरी माह में कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले घंटे को तुरंत प्रेस कर लीजिए, जैसे नोटिफिकेशन अपडेट तुरंत अपने नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।